हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोदा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज एंड आज हमारा होने जा रहा है डे नंबर एंड अब हम फॉर द नेक्स्ट हंड्रेड डेज गाइज एवरी डे हम क्या कर रहे हैं एक कोडिंग चैलेंज जॉस्क्रिप्ट का हम टैकल कर रहे हैं जिसको आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी कह सकते हो तो आज है हमारा डे सिक्सटीन उससे पहले यह बताना चाहूंगा गाइस में ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जॉस्क्रिप्ट कोर्स अपडेट आई मीन अपलोड कर चुका हूँ पार्ट वन पार्ट टू एंड देन फाइनल पार्ट थ्री इज आवर मेगा ई कॉमर्स वेबसाइट अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा अगर उसको आप चेकआउट करते हो देन गाइस आप इसको बहुत ईजिल टैकल कर सकते हो ऑलर गाइस तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हो गाइस डे नंबर सिक्सटीन का इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है गाइस ये इजी है बट मुझे जानना है कि आप इसको किस तरीके से करते हो क्या आप हार्डवे जाते हो या सिंपल वन लाइनर की ओर जाते हो ठीक है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ है ना लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर आप ट्राई करना सो वॉट वी नीड टू डू लाइक वी नीड टू फाइंड द मिनिमम ओके वी नीड टू राइट अ फंक्शन फाइंड मीन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न द मिनिम वैल्यू फाउंड इन दी एरे तो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है फाइंड मीन करके जिसके अंदर हम एरे पास कर रहे हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि एक नंबर्स होने वाले इट मे भी लाइक पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर्स लेकिन आपको क्या करना है वी आई मीन यूनिट टू फाइंड द मिनिमम अमाउ ऑल दिस एलिमेंट अब अगर नेगेटिव आ गया तो क्या इस नेगेटिव भी मिनिमम होता है ना लाइक like इस केस में अगर आप देखोगे तो माइनस सेवन जो है वो सबसे छोटा होता है सो so, हमें आउटपुट में माइनस सेवन आना चाहिए इस केस में टू इज़ द लोएस्ट तो टू आएगा अब इस केस में तो कुछ है ही नहीं तो इधर यू कैन गो विथ लाइक फॉल्ट रिटर्न करा दो या अनडिफाइंड बोल दो या एक मैसेज करा दो लाइक इज एन एरिज एम टी या कुछ भी यू नो सो इट्स टोटली अप टू यू सो नाउ गाइस इट्स योर चांस टू लाइक पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई योर सेल्फ आईव गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा क्योंकि ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एंड आप कॉन्स्टेंट जो भी था यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ठीक है एंड इज दर इज एनी थिंग या ओके ठीक है सो so, देखो मैं बताता हूं सबसे सिंपलेस तरीका तो गाइस कभी भी अगर आपको कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है तो सोचने वाली बात ही नहीं बिकॉज इन हैव है शॉर्ट मेथड एंड उस शॉर्ट मेथड के अंदर भी वी हैव कंपेयर फंक्शन तो उसकी मदद से भी हम ये चुटकी में इसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक और ऑसम awesome तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू मतलब आप बहुत इजीली सिर्फ एक लाइन में इसको टैकल कर सकते हो सो अगेन आज इस वीडियो में भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको टैकल करने के दो इट में पॉसिबल और भी तरीके हो सकते हैं ठीक है सो so, देख लीजिए वी नीड टू राइट इसका जो भी फंक्शन है राइट सो इट्स अ कॉस्ट वी हैव अ फाइंड मीन यहाँ पे हम चलते हैं इक्वल टू इस तरीके से सिंपल एंड या दिस इज इट सो एक एरे है तो मैं एरे को इस तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्लियर दिखा सकूँ ठीक है अब अब हम क्या कर सकते हैं देखो गाइस मैंने बताया कि वी हैव अ शॉर्ट मेथड सो ए आर आर डॉट शॉर्ट है ना इसके अंदर वी हैव अ कंपेयर मेथड जिसके अंदर आपको ए कॉमा बी देना रहता है एंड यहाँ पे सिंपल है ए ग्रेटर देन बी खाली आप अगर आप इतना लिख के भी छोड़ दोगे सिर्फ अगर आप इतना लिख के छोड़ दोगे लेट चेक इट आउट हमें क्या मिलता है पाँच दस दो आठ टो माइक गॉड कुछ भी नहीं हुआ अब आप जादू देखना क्या होगा जस्ट यू नीड टू राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न माइनस वन ठीक है अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से क्यों दिख रहा है क्योंकि फैट एर ओ फंक्शन में अगर आप एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो देर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दी कलीब्रेसेस बट मेरे केस में तो डबल डबल कंडीशन हो गया ना तो अब वो थोड़ी भाई ऐसा चलेगा है ना तो ये नहीं चलता है सो वॉट यू नीड टू डू सबसे पहले तो कली ब्रेसेस क्लियर करो यहाँ पे है ना एंड बाय द वे गाइस मैं न एक्चुअली अपने सेटअप स्टूडियो में नहीं हूँ है ना लाइक like, मेरा इंटीरियर का काम चल रहा तो मुझे लाइक like, बहुत मैं ऑकवर्ड पोजिशन पर बैठा हुआ बट वीडियो बनाना जरूरी है अब हम क्या करें है ना सो या एंड बाय द वे आप डायरेक्टली इस तरीके से भी नहीं लिख सकते आपको यहाँ पे इफ कंडीशन देना ही पड़ेगा फिर यहाँ पे इफ ये देन आप यहाँ पे इसको रिटर्न इस तरीके से करा सकते हो परफेक्ट एंड वन मोर थिंग इज़ ये आपका रह गया था कंट्रोल एसेप दिस इज इट लेट्स चेक इट आउट अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो क्या होता है एंड बूम गाइस सी अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ फिर से देखना मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ सो टेन एट फाइव एंड देन टू बारह पाँच शून्य माइनस थ्री माइनस सेवन मेरा काम हो गया तो ये कोड अगर मैं लिखता हूँ तो जो मेरा सबसे लोएस्ट जो मेरा मिनिमम वैल्यू है वो मुझे सबसे लास्ट में मिल रहा है तो अब मैं गाइस बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ एट मेथड जो कि एक्ट माइस्क्रिप्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में लाइक uh, रिलीज like, हुआ था उसकी मदद मतलब से जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा मुझे पता वो मेरा मिनिमम होने वाला है लेकिन एक काम कर दो ना इफ ए इज ग्रेटर देन था अगर मैं क्या हो अगर इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए एंड देन माइनस वन कर दू गाइस दो ही है इधर ए विल बी ग्रेटर देन बी और इधर बी विल बी ग्रेटर देन ए इधर वी कैन गो रिटर्न वन और रिटर्न माइनस वन रिटर्न वन मतलब कीप इट एज इट इज रिटर्न माइनस वन मतलब स्वाइप दी वैल्यू ये सिंपल है मैं ऑलरेडी अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स में बता चुका हूँ प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा ये आप चाहो तो रड भी लो मैं तो बोल देता हूँ आपको चाहो तो आप रड भी लो क्योंकि ए ग्रेटर देन बी बी ग्रेटर देन बी आई मीन बी ग्रेटर देन ए रिटर्न वन रिटर्न माइनस वन कुछ भी आप लिख के एक बार ट्राई करो आपको मिल जाएगा देखो थोड़ी देर पहले मुझे क्या मिल रहा था लाइक इट्स इन आप कह सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर बट राइट नाउ इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर दो पाँच आठ दस माइनस सेवन माइनस थ्री है ना तो अब जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का वो मेरा मिनिमम होगा राइट right? तो कैसे अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट रहा होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा है ना अब अगर डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है ऐसे क्यों करूँ तो यू कैन गो विथ लाइक ए आर आर विल बी इज इक्वल टू एज इट इज़ एंड यू कैन गो विथ लाइक रिटर्न ए आर आर ऑफ लाइक जो भी इसका इंडेक्स नंबर जीरो होगा यू you नो know? कंट्रोल एस एसिव अगर आप सिर्फ इतना भी रिटर्न कर देते हो इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे टू माइनस सेवन एंड देन अनडिफाइंड ठीक है ये अनडिफाइंड क्यों आए क्योंकि लाइक हमें नहीं आईडिया क्योंकि एम टी आ रहा था इसलिए बता रहा आउटपुट विल भी अनडिफाइंड एल से आप अपना खुद का कंडीशन लिख सकते हो इफ ए आर आर इज एम टी कुछ भी आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे हम ये तरीका हमने अपनाया नो प्रॉब्लम ठीक है इसको मैं करता हूँ कमेंट मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँ शॉर्टकट नहीं है जो कि बहुत यूजफुल है बिकॉज वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट राइट वाट वी कैन डू इज वी कैन गो विथ रिटर्न वी हैव अ नॉट मैप वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट हमारे पास मेन मैथड है ना वो एरे पास कर दो खत्म कंट्रोल सेव अगर ये आप करते हो तब नॉट ए नंबर नॉट अ नंबर एंड देन जीरो आपको मिल रहा है एक काम कर दें यहाँ पे अब अगर मैं डॉट 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 यूज कर दूँ यू नो कंट्रोल सेव कर दूँ एंड अब जादू देखोगे गाइस एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया मैं क्लीन कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ तो टू माइनस सेवन एंड देन इन्फिनिटी मेरा काम हो गया कितनी ईजिली जस्ट एक लाइन में, में मेरा काम हो गया राइट अब यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी अब आप आपको मिला तो एक चीज़ आप कर सकते हो इफ ए आर आर डॉट लेंथ है ना अब ये लिख दो एल ई एन जी टी एच लेंथ अगर ये ट्रिपल इक्वल टू ज़ीरो होती है देन यू कैन गो विथ लाइक रिटर्न एरे इज एम टी या अनडिफाइंड या जो भी आपके मन में लिख दो अगर ये हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा एल सी वाला आके रिटर्न हमें मिल जाएगा सो या सी एक सेकेंड मैं यहाँ कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो क्या कंट्रोल एस सेव कीजिए यहाँ पे चलते हैं एक सेकेंड क्लीन कर देता हूँ फिर से मैं रन करता हूँ ये देखिए दो आई मीन टू माइनस सेवन एंड देन एरे इज एम टी सो गाइज लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन की इन दोनों में आपको कौन सा बेस्ट लगा है ना क्या आपको यह मालूम था दिस इज कॉल्ड योर स्प्रेड ऑपरेटर आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर है इज यूज टू एक्सपेंड एन एरे इन टू इंडिविजुअल एलिमेंट एरे को अगर एक्सपेंड करना हो इंटू इंडिविजुअल एलिमेंट देन आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते स्प्रेड का, का काम क्या है फैलाना वो एक एरे के अंदर जुड़े हुए थे स्प्रेड ऑपरेटर ने उसको फैला दिया एक इंडिविजुअल एलिमेंट बना दी नाउ इन दिस फंक्शन ये जो डॉट 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 ए आर आर इज यूज टू स्प्रेड द एलिमेंट ऑफ द इनपुट एरे ए आर आर जैसे पाँच दस दो आठ एक एरे के अंदर थे अब वो एक इंडिविजुअल फाइव टेन टू एंड देन एट हो गया जिसके कारण अब हम हम मैथ ऑब्जेक्ट में इसका यूज ले सकते हैं सो डैट्स वाई अब मैथ में तो बाई डिफॉल्ट मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मीन अगर मैक्सिमम बोलता तो आपको खाली यहाँ पे मैक्स लिखना था आपका यूं चुटके में काम हो जाता राइट right? एंड एक दूसरा तो कंपेयर फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट देता ही देता है सो गैस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको कौन सा बेस्ट लगा एंड इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरे तरीके से सॉल्व किया था तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी की हेल्प हो जाए एंड अगर आपने लाइक जाब स्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने गए एंड वहाँ पे उन्होंने आपसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा रहा होगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिएगा मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके है ना सो क्या वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा ना हमारा नेक्स्ट टारगेट इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर्स तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता हमें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिल गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर